बता देते कि आज एक बार फिर से तेजी के साथ शेयर बाजार खुला है। 115 अंकों की बढ़त के साथ में बीएसई खुला है और 81,000 के आंकड़े पर बीएसई कारोबार इस वक्त कर रहा है, यानी कि कारोबार की जो शुरुआत हुई है वो अच्छे ग्राफ के साथ हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 में भी 49 अंकों की बढ़त देखी गई है। निफ्टी में 24,000 के आंकड़े पर कारोबार शुरू हुआ है और सोमवार को बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 73 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। निफ्टी 50 में भी 72 अंकों की गिरावट हुई है। तो फिलहाल जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हरे अंकों के साथ खुला, तो वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लाल निशान के साथ खुला है। तो फिलहाल देखिए मार्केट को लेकर के ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त निफ्टी 50 में 72 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल ये बीएसई से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको दे रहे हैं और साथ ही बीएसई में 73 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एनएसई का जिक्र करते हैं यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी हुई है, यानी जो कारोबार की शुरुआत हुई है हरे निशान के साथ में। इसमें निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 में 49 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि 81,000 के अंकों के साथ में कारोबार की शुरुआत हुई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं हम इस वक्त स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो बहुत सूझबूझ के साथ में इस वक्त निवेशकों के लिए भी ये समय रहने वाला है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने पैसों का इस्तेमाल कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए करेंगे या फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट आपको करना है, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ में आपको चलना पड़ेगा। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त बहुत बैलेंस्ड रह करके, न्यूट्रल रह करके मार्केट को समझने की जरूरत होगी आपको, क्योंकि जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो हरे निशान में खुला लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला है लाल निशान के साथ में। तो फिलहाल अभी आने वाले दिन इसी तरह उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है।